कुमार सिन्हा, असिस्टेंट टीचर ऑफ शांति निकेतन जुबली स्कूल। इट इज माय 10th लेक्चर इन क्लास 1 फ्रॉम इंग्लिश कोर्स बुक। नाउ आई एम गोइंग टू टीच यू इंग्लिश कोर्स बुक चैप्टर 3rd, अप्पू द बेबी एलिफेंट, पेज 34। पेज 34 से अप्पू द बेबी एलिफेंट चैप्टर के पेज 34 से हम बताने जा रहे हैं। ग्रामर है फर्स्ट। ऊपर है डेट 26 मई 2020, सब्जेक्ट इंग्लिश क्लास 1, ग्रामर पेज 34, चैप्टर 3, अप्पू द बेबी एलिफेंट। अब ग्रामर से इसमें दिया हुआ है ए और एन के यूज़ को, ए एंड एन। वी यूज ए और एन बिफोर द नेमिंग वर्ड That means only one person and things। हम ए के यूज, ए और एन का यूज उस नेमिंग वर्ड्स के पहले करते हैं जिसका अर्थ एक, सिर्फ एक पर्सन, एक व्यक्ति और एक थिंग्स से, थिंग का हो, एक चीज़ का बोध करा। अब हम बताएंगे कि ए के कहाँ यूज करेंगे और एन कहाँ यूज करेंगे। We use an before the naming word that start with A, E, I, O or U। हम an का use उस naming words के पहले कहते हैं जिसका start letter word का A, E, I, O or U हो। For example, an ant। ant का spelling A से शुरू हो रहा है, इसके पहले an लगाएंगे। An egg। एक का स्पेलिंग ई से शुरू हो रहा है, इसके पहले एन लगाएंगे। आइस बॉक्स, आइस बॉक्स का स्पेलिंग आई से शुरू है, इसके पहले एन लगाएंगे। ऑक्स के पहले भी ओ से शुरू हो रहा है इसका वर्ड, इसलिए पहले हम एन लगाएंगे। और अम्ब्रेला के पहले भी एन यूज़ करेंगे, इसलिए कि इस यह वर्ड यू से शुरू हो रहा है। जो वर्ड ए ई और आई ओ यू से शुरू हो उसके पहले हम एन यूज़ करते हैं, नाउन के पहले। अब कह रहा है ए का यूज़ कहाँ करते हैं। वी यूज़ ए बिफोर ए नेमिंग वर्ड, हम ए के यूज़ उस नेमिंग वर्ड के पहले करते हैं। इफ़ इट्स स्पेलिंग स्टार्ट विथ एनी लेटर ऑफ अदर देन ए ई और ओ यू, ए ई और ए ई आई ओ और यू को छोड़ के जितने भी लेटर्स कंसोनेंट जो हैं उससे शुरू होने वाले शब्द के पहले हम ए लगाते हैं। यही कह रहा है, जैसे बॉय, ए बॉय होंगे, ए कैट होंगे, ए टीचर होंगे, टीचर के पहले भी ए लगेंगे, बॉय के पहले भी ए लगेंगे और कैट के पहले भी ए लगेंगे, टेम्पल के पहले भी ए लगेंगे और विलेज के पहले भी ए लगेंगे, वुमेन के पहले भी डब्ल्यू से शुरू हो रहा है ए लगेंगे। अब क्वेश्चन नंबर ए है, राइट ए और एन बिफोर ईच नेमिंग वर्ड, प्रत्येक नेमिंग वर्ड के पहले ए और एन में से कहाँ लगेंगे ए और कहाँ एन लगेंगे इसको यूज करना है। जैसे फर्स्ट में एनिमल दिया हुआ है तो एनिमल के पहले एन लगाएंगे, एन एनिमल। सेकंड नंबर में एप्पल दिया है वर्ड तो एप्पल के पहले ए और एन में से एन लगेंगे, इसलिए कि ए से शुरू हो रहे हैं ये वर्ड, एन एप्पल। थ्री नंबर में कैट दिए गए हैं, कैट के पहले ए लगाएंगे, सी से शुरू होने वाले वर्ड है ये। फोर नंबर में डॉल दिया गया है जो डी से शुरू होने वाला सब वर्ड है, इसके पहले हम ए लगाएंगे। फाइव नंबर में पप्पी है, पप्पी से पहले हम पी से शुरू होने वाला वर्ड है, ये हम ए लगाएंगे। और ट्री के पहले भी हम ए यूज़ करेंगे, टी से शुरू होने वाले वर्ड है। यहाँ बी नंबर में दिया गया क्वेश्चन में, फिल इन द ईच ब्लैंक्स विथ ए और एन, प्रत्येक ब्लैंक्स में ए या एन दोनों में से कोई एक यूज़ करना है, सेंटेंस को पूरा भी करना है। यहाँ एंड्स के पहले एन लगाएंगे और ए कैपिटल लिखेंगे, इसलिए कि ये सेंटेंस के फर्स्ट वर्ड का लेटर है एन, तो यहाँ ए कैपिटल होगा और एंड के पहले एन लगेंगे। एन एंट इज एन इंसेक्ट, इंसेक्ट के पहले भी आई से शुरू होने वाले वर्ड है ये, एन लगेंगे। सेकेंड नंबर में आई सॉ डैश आउल, यहाँ आउल के पहले भी हम एन लगाएंगे। इन द ट्री। थ्री नंबर में माई
ब्रदर इज एन इंजीनियर, इंजीनियर के पहले भी हम एन लगाएंगे, इंजीनियर वर्ड के पहले ई से शुरू होने वाले वर्ड हैं। फोर नंबर में माई फ्रेंड हैज डॉग के पहले ए लगाएंगे एंड ए कैट एज पेट्स। फाइव नंबर ही हैड एग के पहले भी एन लगाएंगे और सैंडविच के पहले भी ए लगाएंगे एंड एन एप्पल फॉर ब्रेकफास्ट। आप ये क्वेश्चन नंबर बी समाप्त है। आगे मैं आपके बुक से बता रहा हूँ, यहाँ पे दिया हुआ है लिसनिंग है। अप्पू इज टॉकिंग टू कन्नू अनदर बेबी एलिफेंट। अप्पू जो है वह बातें कर रहा है, जो एलिफेंट है वह दूसरे एलिफेंट जिसका नाम कन्नू है। लिसन टू देम केयरफुली, मेक द सेंटेंस एज ट्रू और फॉल्स। जो ट्रू है उसके लिए टी और फॉल्स है उसके लिए एफ लिखेंगे। नीचे हुए एग्जाम्पल है यहाँ पे। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर बी, वर्क इन द पेयर चूज द फ्रिज इच। ये दो फ्रिज दिए गए हैं, उसमें से एक फ्रिज को चुनना है। लुक एट द फ्रिज इन योर फ्रिज, और जो दोनों में से कोई एक फ्रिज जो तुम्हारे अपने लिए तुम चुन रहे हो उस फ्रिज को देखो। टेक टर्न एंड आस्क योर पार्टनर टू फॉलोइंग क्वेश्चन, द पार्टनर मस्ट आंसर द कॉम्प्लीट सेंटेंसेज। अब यह क्वेश्चन यहाँ कर रहे हैं पार्टनर, अपने फ्रिज को चुन लो, उस फ्रिज में क्या संख्या है किस थिंग्स का उसको बताना है। जैसे फर्स्ट में हाउ मैनी एप्पल्स डू यू हैव, सेकेंड है कितने एप्पल हैं तुम्हारे फ्रिज में, डू यू हैव मिल्क इन योर फ्रिज, क्या तुम्हारे फ्रिज में मिल्क है, इसका आंसर देना है अपने फ्रिज में देखकर। थ्री नंबर हाउ मैनी टोमेटोज आर देयर इन योर फ्रिज, कितने टोमेटोज हैं तुम्हारे फ्रिज में। हाउ मैनी एग्स डू यू हैव, डू यू हैव बीन्स इन योर फ्रिज, क्या बीन्स हैं तुम्हारे फ्रिज में। हाउ मैनी ऑरेंज डू यू हैव एंड डू यू हैव ब्रेड। इसके बाद यहाँ पे है एक क्वेश्चन लास्ट, इमेजिंग कल्पना करो यू आर ए विजिटिंग अप्पूज टाउन। अप्पू जो बेबी एलिफेंट है उसके शहर में तुम घूमने गए हो। राइट ऑल द थिंग्स यू वुड सी एंड डू देयर, लिखो सभी चीज़ों को जो तुमने देखा और डू देयर वहाँ और जो किया। वी कैन बिगेन लाइक दिस, और इस तरह शुरू करो। फर्स्ट यह सेंटेंस लिखा गया, बाकी उसके बाद तुम अपने से अपने लक्ष्य में इमेजिंग करके लिखोगे। फर्स्ट आई एम गोइंग टू अप्पूज टाउन टाउन, फर्स्ट में लिखा सेंटेंस आई एम गोइंग टू अप्पूज टाउन नेक्स्ट वीक इन अटेंड ए टेम्पल फेस्टिवल आई विल, उसके बाद इस पर जोड़कर तुम लिखोगे। ये क्वेश्चन यहाँ खत्म हो रहे हैं। नेक्स्ट लेक्चर में मैं आगे के चैप्टर को बताऊंगा, चैप्टर 4। अब मैं आज लेक्चर यहीं समाप्त हो रहा है।